गर्मियाँ स्टार्ट होते ही घरों में आम के अचार बनने लगते हैं, तो आज हम सीखेंगे आम का अचार बनाना, वो भी माँ के हाथ का। इसके लिए हमने 4 से 5 किलो आम ले लिया है और उनको अच्छे से पानी में कुछ देर रख दिया था। अब हम उसमें से आम निकाल लेंगे और उसे अच्छे से पोंछ कर और अपने पसंद के आकार में काट लेंगे। ये देखिए, हम आम को पहले बीच से काटेंगे और उसके बाद इनका छोटा छोटा हिस्सा करेंगे। आप याद रखिए कि हर आम को अच्छे से पोंछ के उसके बाद हमें काटना है। हमने पहले आम काटा, फिर हम इसके पीछे का हिस्सा काट लेंगे और इसके बाद हम इसको अचार के लिए लंबा लंबा टुकड़ा करेंगे पहले, और फिर छोटा छोटा काट के पीसेस बना लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे छोटे छोटे हिस्से में काट लेंगे। हमने सारे आम को काट लिया है अच्छे से। अब हम आगे बताते हैं इसमें क्या करना है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इससे छोटा बड़ा आकार अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इन सारे कटे हुए आम में हम पहले हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी के बाद नमक डाल लेंगे। आम के अचार में या किसी भी अचार में हल्दी और नमक हम पहले इसलिए डाल के उसे कोट करते हैं ताकि इसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस या गंदगी आ गई हो तो वो एलिमिनेट हो जाए, वो निकल जाए। और हल्दी नमक से क्या होता है कि इसमें जितना भी आम के छोटे टुकड़ों में जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो पानी छोड़ देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये जार में हमने वो कोटेड अपने आम के टुकड़ों को रख दिया था, यहाँ पे उसने पानी छोड़ दिया है। अब हम ये सारे आम के टुकड़े से पानी अलग कर लेंगे। इसके लिए हमने इसे एक छन्नी में डाल दिया और अब हम यहाँ से सारे आम के टुकड़े और पानी को अलग कर लेंगे। इसके बाद ये जो आम के छोटे छोटे टुकड़े हैं हम इन्हें अच्छे से धूप में या पंखे के नीचे सुखा सकते हैं फैला के। तो हम इसे सन ड्राई नहीं कर रहे हैं, ये घर में ही मैं इसे फैला रही हूँ। तो मैंने पंखे के नीचे एक क्लोथ बिछा लिया है जिस पे अब ये आम के सारे टुकड़ों को अच्छे से फैला के इसे सूखने देंगे हम इसे, ताकि इसमें जितना भी रहा सहा वाटर कंटेंट होगा वो निकल जाएगा। अब हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं अपने अचार के लिए। तो इसमें हमने 2 पैकेट पीला सरसों लिया है 5 किलो से 4 किलो अचार के लिए, और 1 पैकेट काला सरसों लिया है। ये देखिए, ये सरसों आप अच्छे से एक बार चुन सकते हैं कि ताकि इसमें कुछ गंदगी ना हो। उसके साथ हम यहाँ पे 50 ग्राम सौंफ ले लेंगे, 1 चम्मच मेथी का दाना, 50 ग्राम जीरा, और इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे मसाले को ड्राई रोस्ट करें। हमने जो अभी लास्ट में सौंफ, जीरा और मेथी लिया था, इसे हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाए। अब हम 2 छोटे चम्मच के बराबर हींग ले लेंगे, साथ में ही मिर्ची पाउडर, 3 बड़े चम्मच मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक, और अब ले लेंगे काला नमक 1 चम्मच के बराबर। ये हम मसाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने नमक और हल्दी इसमें डाला है, क्योंकि हमने आम को ऑलरेडी नमक और हल्दी से कोट करके रखा था। ये हमारा गया 2 बड़ा चम्मच अजवाइन, 2 बड़ा चम्मच कलौंजी, और जो हमने मसाले ड्राई रोस्ट किए थे उसको अब हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सर में। हमें उसे एकदम पतला नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। उसके बाद हम इसमें अपना जो राई निकाला था अचार के लिए वो राई डाल के इसको भी दरदरा पीस लेंगे। याद रखिए कि मसाले हमें बिल्कुल भी पतले नहीं पीसने हैं, इसे दरदरा ही पीसना है, उसमें ही आम का अचार का अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, हमने दरदरा पीस लिया इसे, और अब हम एक सॉसर पैन लेंगे और उसमें 1 लीटर सरसों का तेल लेंगे
और उसे अच्छे से हीट करेंगे। तब तक यहाँ पे हमारा आम भी जो है वो अच्छे से सूख गया है, उसमें सारे मॉइस्चर कंटेंट जितने थे वो भी सब ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें मसाला मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो सौंफ वगैरह पीसा था वो डाल देंगे, और यहाँ पे कुछ खड़े सौंफ भी डाल रहे हैं। ये है हमारा अजवाइन और कलौंजी, उसके बाद हमारा सरसों पीसा हुआ, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद ये हमारे नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर सब कुछ डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि जितने भी आम के टुकड़े हैं सब में अच्छे से मसाला जा पाए, और हमने जो तेल गरम किया था उसे हम ठंडा करके अब इस अचार में डाल देंगे, और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे चम्मच से या हाथ से। ये देखिए हमारा अचार जो है आम का ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अब हम ये ऊपर से इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं ताकि अचार का रंग जो है वो बहुत अच्छा आए। गर्मियों में तो अचार के बिना खाना ही नहीं पूरा होता है। अब इस जार में हम सारे अपने आम और उसमें कोटेड मसाले अच्छे से भर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसे अब हम अच्छे से धूप में रखेंगे पकने के लिए। ये देखिए हमारा आम का अचार कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, कितना आसान ये आम का अचार बनाना। तो आप भी ऐसे ज़रूर बनाएं और हमें बताएं। गर्मियों में तो आम का अचार का अलग ही मज़ा है।